आज चुनाव आयोग को मैं हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री तरुण चुग जी, हमारी पार्टी के मीडिया के प्रभारी राज्यसभा के सांसद श्री अनिल बलूनी जी और हमारी पार्टी के इलेक्शन कमेटी के पूरे इंचार्ज जो हमारे इलेक्शन कमीशन के विषयों को देखते हैं श्री ओम पाठक जी के साथ चुनाव आयोग को इस दुर्भाग्यपूर्ण विषय पर लेकर मिले हैं। सबसे बड़ा विषय यह है कि कांग्रेस ने हमेशा लोकतंत्र की मर्यादा को तोड़ने का काम किया है। कांग्रेस ने इस देश में नेगेटिव राजनीति को करने का काम किया है और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत की जनता के मन में जिनके लिए श्रद्धा है, उनके बारे में जो वाक्य कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने किए हैं वो जानबूझकर किए हैं। वो कांग्रेस की उस गहरी घृणा की राजनीति का हिस्सा है जिसमें कांग्रेस एक लोकप्रिय नेतृत्व के प्रति अपना व्यक्तिगत वैमनस्य रखती है और बार बार कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जिस प्रकार से उनके उनके जीवन के आयु के प्रति, उनके बारे में व्यक्तिगत रूप से जो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो इस बात को दर्शाता है कि कांग्रेस पूरी तरीके से व्यक्तिगत मर्यादा की राजनीति का उल्लंघन कर रही है। कांग्रेस पूरी तरीके से हताशा पे आ गई है और कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस अब इस चुनाव को एक तरीके से वैमनस्य में बदलने लगी, लोगों को भड़काने में लगी हुई है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि वो कितना ही गंदी भाषा का प्रयोग करें, वो कितना ही लोगों को भड़काने का प्रयोग करें, वो प्रधानमंत्री जी के लिए अपमानजनक टिप्पणी का प्रयोग करें, देश की जनता आज भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति पूरा विश्वास, आदर और समर्थन का भाव रखती है। और आज जब हमने चुनाव आयोग को ये पूरा ज्ञापन दिया तो हमें लगा कि चुनाव आयोग भी इस विषय को लेकर पूरी तरीके से गंभीर है, क्योंकि ये कोई जवान फिसलने वाला विषय नहीं है। जानबूझकर तीन चार वाक्यों को इस तरीके से बोला गया है जो कांग्रेस के हेट कैंपेन का हिस्सा है, जो कांग्रेस के इस कैंपेन का हिस्सा है कि लोगों को भड़काया जाए, जो कांग्रेस के उस हेट कैंपेन का हिस्सा है जिस हेट कैंपेन में वो देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए हमने स्पष्ट रूप से चुनाव आयोग से मांग करी है, ये एक ऐसा दृष्टांत है जिसमें पहले भी चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है, न केवल श्री खड़गे को चुनाव आयोग से निर्देश देकर केवल कैंपेन से ना रोका जाए, FIR भी दर्ज की जाए ताकि देश की जनता इस वैमनस्य और हेट कैंपेन से निजात पाकर के एक स्वस्थ तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ा सके। बलून कांग्रेस का डेलीगेशन भी मिल रहा है 4:15 बजे, शिकायत कर रहा है गृहमंत्री के बयान, उसको किस तरह से आप? कांग्रेस को खड़गे जी के बयान की माफ़ी मांगनी चाहिए और चुनाव आयोग को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। इस तरह की मर्यादाहीन भाषा कभी भी नहीं बोली गई है, विशेष रूप से एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा जिस प्रकार की भाषा प्रधानमंत्री जी के लिए बोली गई है वो निंदनीय है और लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है।